एक बार फिर से वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर डुपर। तो आज हम बनाएंगे तलबीना। एक कप हम दलिया लेंगे, गंदम का मैंने दलिया लिया, इसको रात भर भिगो दिया। और आप लोग चाहें तो जौ का दलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ कप के करीब हम खजूरें लेंगे और इसकी गुठलियां आपने निकाल देनी हैं। 2 टेबलस्पून बादाम, 2 टेबलस्पून पिस्ता, 1.5 लीटर हम दूध लेंगे। रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। एक पतीले में हम दलिया शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें हमने दूध ऐड कर देना है। दूध ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि दलिया नीचे बैठकर लगे ना, और इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दें। खजूरों को हम मैश कर लेंगे। आप लोग चाहें तो ब्लेंडर में भी इसको मैश कर सकते हैं। अब हम तलबीना को चेक कर लेते हैं। इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है, तो आप हल्का सा इस पे चमचा चलाते रहें। खजूरों का पेस्ट शामिल कर दें। इसमें हम शुगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप लोगों को अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। और खजूरें ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तलबीना के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। अब ये गाढ़ा हो चुका है, अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और बादाम पिस्ते से हम इसकी गार्निश कर लेंगे। तलबीना के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। ये दिमाग, जिगर और हड्डियों को मजबूत करता है, खून की कमी को दूर करता है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।